आजमी किचन में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कई तरह की प्याज की कचौड़ी बनाना बताऊंगी, जो कई डिज़ाइन में मैं आपको बना के दिखाऊंगी। आपको मैदे की कचौड़ी बनाना बताएंगे प्याज की। प्याज और मैदे की हमने ये 2 कटोरी मैदा लिया हुआ है। इसमें हमने थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाल दिया है। एक चम्मच नमक डाल दिया, इसको मिक्स करेंगे। और इसमें हम 2 टीस्पून, 2 टेबल स्पून इसमें हमने तेल डाला है। आप चाहें तो तेल घी कुछ भी डाल सकती हैं। उसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। से मोइन बनने लगे तब हम इसमें पानी डाल के भून लेंगे इसको। इसमें जितना ज़्यादा तेल या घी का यूज़ करेंगे आप, उतनी हमारी कुरकुरे बनेंगी कचौड़ियाँ। देख सकते हैं ये इस तरह से मोइन बन रहा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, बहुत मुलायम नहीं, थोड़ा सख्त आटा भून लेंगे। इस तरह से हमारा एक सख्त रो तैयार हो चुका है, जिसको हम 30 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेंगे उसमें भरने के लिए। के लिए हम स्टफिंग तैयार करेंगे। उसमें तेल जो है, थोड़ा सा तेल डालेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता है। तेल हमारा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें जो है 1 पिंच जो है हींग डालेंगे। थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, फिर इसमें छोटा छोटा कटा लहसुन डालेंगे। आप चाहें तो डालें, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, तो इसकी भी कर सकते हैं। लेकिन लहसुन डालने से टेस्ट तो अच्छा आता ही है, साथ में जो है काजू नहीं मिलता है। थोड़ा सा इसमें कटी ग्रीन चिली डालेंगे, 2 कटी ग्रीन चिली। अब इसमें हम जो है छोटी कटी प्याज डाल देंगे, 3-4, जितना आप बनाना चाहें तब भी मोटे हिसाब से प्याज ले सकते हैं। मैंने थोड़ा मोटा काटा है, आप चाहें तो थोड़ा पतला भी काट सकते हैं। मैंने मोटा इसलिए काटा है क्योंकि कचौड़ी में प्याज का टेस्ट आता है तो अच्छी लगती है कचौड़ी। इस वजह से मैंने प्याज के जो है थोड़ा मोटा काटा है। अब इसको भी चलाते रहेंगे एकदम स्लो आज से, हमारी प्याज एकदम मिलाए हो जाए। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, क्योंकि हमने आटा गूंथते समय जो इसमें भी डाला हुआ है, तो उसी हिसाब से हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जैसे थोड़ा सा जो है 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें रेड चिली डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने ग्रीन चिली भी डाला हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा धनिया, 1 टीस्पून धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर जो है इसमें आप जो है, जैसे मैंने ये सारे मसाले कच्चे तो डाले ही थे, अब मैंने ये सारे रोस्टेड और रोस्ट किए हुए और पीस लिया मैंने। तो ये है मंगरेल, ये है थोड़ा सा धनिया पाउडर, यह है थोड़ा सा सौंफ पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और ये थोड़ा सा सौंफ, मंगरेल, मेथी, ये सारे पीसे हुए। आप चाहें तो ये मसाले डाल सकते हैं, चाहे ना भी डालें स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये मसाले डालने से टेस्ट और अच्छा आता है इसका। तो 1 मिनट तक अच्छे से हम भून लेंगे। प्याज तो अभी सॉफ्ट हो ही गई है, लेकिन हम भून लेंगे कि हमारे मसाले भी अच्छे से भून जाएँ। अब अपने स्टफिंग में ये दाल, मैंने चने की दाल है, इसको मैंने उबाल के और मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। और फिर इसका अच्छा मैं रख लेती हूँ फ्रिज में, कोई भी चीज़ बनानी है जिससे बनानी। तो 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं दाल ही डाल रही हूँ। दाल से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 टेबल स्पून इसमें डाल के अच्छे से इसको भी इसी के साथ
भून लेंगे। अब हमारी स्टफिंग जो है तैयार हो चुकी है, इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी कचौड़ियाँ बनाएंगे। अब हम अपनी कचौड़ियाँ बनाना तैयार करेंगे। इसको हमने गोल शेप में बेल लिया है। इसको मैं कई तरीके के आपको बना के बताऊंगी। गोल शेप में मैंने बेल लिया है, उसके बाद मैं इसको आधा कट कर लूँगी। उसके बाद इसको मैं यूं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। उसके बाद इसमें स्टफिंग भरेंगे। जितना चाहें आप उसी हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं इसका आकार। उसके बाद इसको मैं यूं इस तरह से ये इस तरह से इसको समोसे का आकार दे दूँगी। ये देख सकते हैं किस तरह से जालियाँ पड़ी हुई हैं। इस तरह से इसको दबा दीजिए जिससे ये खुले ना तलते समय। और देख सकते हैं हमारी एक शेप ये है जो तैयार है। इस तरह से थोड़ा लंबाई में बेल लूँगी। उसके बाद मैं बीच में स्टफिंग भर दूँगी लंबे से। इस तरह से लंबाई में इसको मैं भर दूँगी इसे स्टफिंग। इस तरह से डिज़ाइनदार बना के अगर दीजिए बच्चों को तो खाने का मन नहीं होता, तो डिज़ाइन देखकर ही उनका खाने का मन करने लगता। तो इसको इस तरह से कट कर दीजिए। उसके बाद इसको जो है इस तरह से एक इधर से ले लीजिए तो एक इधर से, फिर 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 एक इस साइड से इसी तरह से। फिर इसको जो है इस तरह से मैंने यहाँ से शेप दे दिया है। और उसके बाद देने के बाद इसको छोड़ा थोड़ा इस तरह से, इस तरह से मछली का शेप यहाँ से हमने नोट कर दिया है। मछली के शेप में इसको बना दिया है। इसको आप गोल शेप में करके इस तरह से ट्रायंगल में काट लीजिए इसको इस तरह से। उसके बाद जो है यहाँ पर स्टफिंग रख के इसको इस तरह से राउंड शेप दे दीजिए। इस तरह से एक डिज़ाइन ये हो जाती है। आप चाहें तो इसको बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा ही बनाएंगे। छोटा सा हम गोला बेलेंगे, उसके बाद इसको हम इस तरह से गोल बना दीजिए। गोल बना के इसको रख देंगे साइड में। उसके बाद में एक और उसी तरह के हिसाब से गोला कर लेंगे और इसको भी उसी तरह थोड़ा उससे लंबा बेलेंगे। जितना उसको बेला था उसका आकार इससे बड़ा रहेगा। इस तरह से इसको यूँ ऐसे कट कर लीजिए। उसके बाद जो हमने ये बनाया था उसके ऊपर इसको हम ऐसे कवर कर देंगे तरीके से। ये देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा जो है इसको निकाल देंगे। इस तरह की डिज़ाइन इसमें आ जाएगी। इस तरह से हम गोल बेलेंगे, उसमें स्टफिंग भरेंगे। इसको मैंने आपको ये वाला डिज़ाइन आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं समोसा बनाते समय।
तो बस वैसे ही बनाना है इसको। ये मैंने कचौड़ी है तो इसलिए छोटा किया है, और समोसा का थोड़ा बड़ा किया था। उसके बाद हम इसको यूँ कट में कर देंगे, पूरा नहीं करेंगे कट, सिर्फ इस तरह से किनारे का हम छोड़ देंगे। उसके बाद इस तरह से ये इस तरह से हो गया, इसको रोल कर देंगे तो ये हमारा इस तरह डिजाइन आ जाएगी, देख सकते हैं। हम एक इस तरह से बनाएंगे, लोई लिया है मैंने और हाथों से इस तरह से इसको थोड़ा बड़ा करेंगे कटोरी आकार में इस तरह से। ज़्यादा मैं इसी तरह बनाऊंगी क्योंकि ये इजी होता है और जल्दी पड़ता है। इसमें स्टफिंग करेंगे आप चाहे तो इसको बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा मोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद इसको मैं हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए इसको बंद कर दूँगी। उसके बाद इस तरह से हाथों से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। बस इस तरह से कचौड़ी हमारी तैयार है। इस तरह से हम जल्दी बना सकते हैं। ये देख सकते हैं हमने चार शेप में बनाया है और एक राउंड शेप जो अभी मैंने आपको बताया, इतने शेप में हम इस तरह से हम अपने सारी कचौड़ियों को तल लेंगे। देख सकते हैं ये भी आज के लिए इसको जो है स्लो आज पे ये तलेंगे, इससे हमारी कचौड़ियाँ जो है कुरकुरी होती हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरह से कई शेप में कई तरीके की कचौड़ी हमने प्याज की बना के तैयार कर दी है। इस तरह के शेप बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। चाय के साथ खाइए या वैसे खाइए नाश्ते में, शाम के नाश्ते में बना के। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आलू की किचन में मैं फिर एक नई डिश के साथ आऊँगी। बाय बाय।